प्रधानमंत्री जी आए तो 24 घंटे में उनके लिए हेलीपैड बन गया। अच्छी बात है, बनना चाहिए, उसकी विरोध नहीं है मैं। लेकिन वहीं पे बगल में बस स्टैंड जो है वो 20 साल से जनता का बस स्टैंड नहीं बन रहा। तो हम गोवा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सरकार की नीयत हो तो काम तो हो सकता है। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे काम होगा, तो काम तो गोवा सरकार भी कर सकती है, लेकिन गोवा सरकार की प्रायोरिटी है कि वीआईपी लोगों के लिए केवल काम करती है। हम आज गोवा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए गोवा के लोग वीआईपी हैं। जितनी स्पीड से प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड बना, उतनी स्पीड से आपकी सड़कें भी बनेंगी और उतनी स्पीड से आपका बस स्टैंड भी बनेगा और उतनी स्पीड से रविंद्र भवन भी बनेगा, सारे काम होंगे। आज मैं गोवा के लोगों को अपील करना चाहता हूँ। चुनाव के केवल 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद चुनाव है। ये चुनाव मैं समझता हूँ कि मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव गोवा का भविष्य बदल सकता है, गोवा का प्रेजेंट बदल सकता है। गोवा के लोगों से अपील है कि आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, आपने 15 साल बीजेपी को दिए, इन पार्टियों ने मिलके गोवा के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा इन पार्टियों ने मिलके गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने आपका कोई काम नहीं किया। आज गोवा में सड़कें टूटी हुई हैं, आज गोवा में पानी की प्रॉब्लम है, आज गोवा में बिजली की प्रॉब्लम है, आज गोवा में लोग बच्चे बेरोजगार हैं, आज गोवा में हेल्थ सर्विसेज कोलैप्स कर गई हैं, आज गोवा में एजुकेशन सर्विसेज कोलैप्स कर गई हैं। आज गोवा की जो हालत है उसके लिए दोनों तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों को और अगर आप 5 साल दे देंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कुछ सुधरने वाला नहीं है, ये अगले 5 साल भी कुछ नहीं करने वाले, ये केवल लूटेंगे, लूटने के लिए आ रहे हैं। एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को इलेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है, फेंक दिया उठा के। गोवा के लोगों से अपील है कि इन दोनों पार्टियों को वोट देने से तो कोई फायदा नहीं है, वो वैसे ही चलेगा। एक चांस आम आदमी पार्टी को देके देखिए। अगर हम अच्छा काम ना करें तो 5 साल बाद हमें उठा के फेंक दीजिएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को खत्म कर दिया, ऐसे ही हम इतना अच्छा काम करेंगे कि 5 साल के बाद आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। इन लोगों ने पिछले कई सालों में मिलके गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। अगर आप इनको दोबारा वोट देंगे तो 5 साल के अंदर ये 24,000 के बजाय 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे और उसके बाद 1 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे। आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो पूरा कर्जा भी खत्म कर देंगे और बजट को प्रॉफिट के अंदर ले आएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट प्रणय शिरगांवकर, पैंजिम।